हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या कह रहा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स। आपको पी एक्स पॉलिनोमियल को जी एक्स से डिवाइड करना है। फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और हर एक में आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर बताना है। तो चलिए करते हैं हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। पी एक्स है आपके पास एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3, और जी एक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस में 2। तो यहाँ से अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 2, एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3। तो देखिए बच्चे, अब हम एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, हमें कितना चाहिए एक्स थ्री, तो हमें कितने की जरूरत है, एक एक्स और चाहिए, टू है तो थ्री बनाना है हमें, तो टू के आगे थ्री होता है यानी एक ही एक्स सीधा, तो एक एक्स की जरूरत है तो सीधा एक एक्स से मल्टीपल कर देते हैं, तो एक्स की दो पावर ये हो गई, एक ही हो गई है, तो टू प्लस वन थ्री हो गया आपके पास। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की टू को जब हम एक्स से मल्टीपल करेंगे तो आपके पास एक्स की थ्री आ जाएगी। सेम अब हम टू को भी आपको इसी से मल्टीपल करना है, फर्स्ट जो आपकी जो भी टर्म है उसको जब आप जिससे भी मल्टीपल करोगे तो सेकंड टर्म को भी आपको उसी से मल्टीपल करना है। तो माइनस टू को अब आप एक्स से मल्टीपल करोगे तो माइनस का टू एक्स। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, हमारे पास माइनस में टू एक्स आया है, तो हम एक्स के नीचे लिखेंगे। आपको टर्म जो है एक्स के नीचे एक्स की टर्म लिखनी है, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की टर्म लिखनी है, तो यहाँ पर माइनस में टू एक्स। अब हम साइन, क्योंकि माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये प्लस का है यहाँ पर, तो ये माइनस है, ये प्लस, ये तो सेम नंबर है एक्स थ्री, तो ये कैंसिल आउट हो गए हैं। अब माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस प्लस, तो प्लस का आपके पास आ जाएगा 7x माइनस में 3। अब देखो बच्चे आगे, तो एक्स स्क्वायर है, हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए माइनस में 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है, क्या चीज़ नहीं है, माइनस 3, हम उसी से मल्टीपल कर देते हैं, तो माइनस में 3, तो माइनस में 3x स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस 2 3 जा तो 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, प्लस का 6 आ गया आपके पास। अब हम वापस से इनका साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये माइनस ये प्लस सेम नंबर है तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 7x माइनस माइनस, नंबर्स प्लस हो जाएंगे, साइन आपका माइनस रहेगा, तो 6 प्लस 3 9। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है हमारा एक्स माइनस में 3, और रिमाइंडर है 7x माइनस में 9। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड है आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, एंड जी एक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में एक्स। ये टर्म है आपके पास, अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, एक्स की पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, और यहाँ से हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में एक्स। अब देखिए बच्चे, स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर है, हमें 4 चाहिए, यानी कितने एक्स और चाहिए, दो और चाहिए, तो एक्स की 2 को हम किससे मल्टीपल कर देते हैं, एक्स की 2 से ही, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 4। अब 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करते हैं, तो 1 को आप जिस भी नंबर से मल्टीपल करोगे उतना ही आता है, तो 1 को जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो यहाँ पे साइन प्लस, तो एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स को जब आप एक्स स्क्वायर से करोगे, क्योंकि बच्चे ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस साइन माइनस आ जाएगा। अब देखिए, एक्स की पावर 2 यहाँ पर है, इसकी कोई पावर नहीं है, तो हम मान के चलते हैं 1 है, क्योंकि ये खुद होता है, ये खुद है, तो हम इसकी पावर 1 ही मान के चलेंगे, तो 2 प्लस 1 3 पावर हो गई है। तो जब हम एक्स को एक्स की 2 से मल्टीपल करेंगे तो एक्स की पावर 3 आ रहा है। अब ऊपर तो कहीं पर भी एक्स की पावर 3 नहीं है, ये तो एक्स की पावर 4 है, यहाँ पर 2 है, उसके बाद एक्स आ गया है, 3 पावर तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से लिखेंगे, और प्लस माइनस, तो माइनस में यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, माइनस में एक्स की पावर 3। अब हम इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस,
ये कैंसिल आउट हो गया, सेम नंबर है आपके x की पावर 4, x की पावर 4, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखिए बच्चे, जो आपकी डिग्री ये बड़ी है तो ये हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x की पावर 3, साइन इसका ये प्लस में काउंट होगा तो ये आगे इसके प्लस रहेगा। अब माइनस माइनस नंबर्स प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस 3 के साथ यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है तो हम मान के चलेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 होता है तो 3 प्लस 1 तो 4, तो 4x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। अब देखिए बच्चे, आपके पास यहाँ पर x की पावर 2 है, हमें क्या चाहिए x की पावर 3, यानी एक पावर एक x और मिल जाए तो आपके पास 3 हो जाएंगे, तो हम उसी से मल्टीपल कर देते हैं। और यहाँ पर साइन प्लस का है, ये भी प्लस है तो ये भी हम प्लस ही रखते हैं, तो x की पावर 2 और ये x 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 3। अब 1 को x से मल्टीपल करेंगे तो सीधा सीधा x, और ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो आपके पास यहाँ पे ये प्लस में आ जाएगा। अब माइनस x को अगर आप x से करोगे तो ये आ जाएगा 1 और 1, कितनी पावर हो गई 2 हो गई है, तो x की पावर कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर 2, और माइनस प्लस तो साइन माइनस का आएगा। अब वापस से साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पर 4x स्क्वायर है, प्लस का x स्क्वायर है, वो माइनस में है तो प्लस माइनस तो माइनस करेंगे, अब 4 में से 1 माइनस आप माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा माइनस में 3x स्क्वायर, और यहाँ पे 4x में से 1x माइनस करोगे तो फिर आपके पास प्लस, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है, यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस का था तो माइनस आ गया, बड़ा नंबर प्लस का होता तो प्लस ही आएगा, तो यहाँ पर 3x, और ये आ गया आपके पास 5। अब हमारा किस पे जाएगा ये, क्योंकि 3 माइनस में 3x स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो एक्स स्क्वायर तो हमारा मिल गया है हमें, अब हमें चाहिए सिर्फ माइनस में 3, तो इसे माइनस 3 से मल्टीपल कर लेते हैं, तो माइनस में 3x स्क्वायर आ गया। 1 को माइनस 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये भी माइनस में 3 आ जाएगा, माइनस x को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 3 को x से मल्टीपल करने पर 3x। वापस से साइन चेंज करते हैं, ये प्लस ये माइनस ये आपका प्लस। देखिए बच्चे, माइनस प्लस एक सेम नंबर है कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस सेम नंबर है कैंसिल आउट। अब यहाँ पर आपके पास बच गया 8, यानी यहाँ पे आपके क्वेश्चेंट है, आपका क्वेश्चेंट हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 3, और रिमाइंडर हो जाएगा आपके, रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना बचा है, जो बचता है वो आपका रिमाइंडर, जो ये आंसर होता है वो आपका क्वेश्चेंट होता है। ये हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस माइनस में 5x प्लस में 6, और जी एक्स है आपके पास 2 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए बच्चे, एक्स की पावर 4 माइनस में 5x प्लस में 6, और यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर नंबर आपका पहले आ रहा है 2 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और करके कि माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 प्लस का है तो इसको हम बाद में लिख लेते हैं, और फिर इसी से आप डिवाइड कर लो, ये आपको इजी पड़ेगा, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2, क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर की पावर हमें मिल जाती है, वरना पहले 2 से देखना पड़ेगा। हमारे पास शुरू में एक्स की पावर 4 है और हमें करना है एक्स की पावर 2 से, तो कितने एक्स की पावर चाहिए हमें, एक्स की पावर 2 ही और चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसे, और यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी हम माइनस लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, हमें साइन वही चाहिए जो यहाँ पर होता है, तो माइनस एक्स की पावर 2 से ही करते हैं, तो आपके पास प्लस की एक्स की पावर 4 आ गया है। अब 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ऊपर तो एक्स स्क्वायर की पावर कहीं पर भी नहीं है, तो हम इसको अलग से लिखेंगे, माइनस का 2x स्क्वायर। अब साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का है तो ये यहाँ पर माइनस का हो गया, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया है, तो अब प्लस का 2x स्क्वायर हम पहले लिखेंगे, अब माइनस का 5x प्लस का 6। अब देखिए बच्चे, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें क्या चाहिए था सिर्फ 2, अब हम क्या करते हैं इसको माइनस 2 से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। 2 को माइनस 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4। अब हम वापस से इनके साइन चेंज करते हैं, ये माइनस और ये प्लस, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 5x प्लस का 10, ये आपका रिमाइंडर आ गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चेंट है आपका, क्वेश्चन है आपके पास माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2।
और रिमाइंडर है माइनस में 5x प्लस में 10। चलिए बच्चे, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और जितना हो सके इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।